हेलो एंड वेलकम टू पॉजिटिव माइज चैनल इस वीडियो में आप कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे एक राइट right आंसर पे आपको एक पॉइंट मिलेगा और सॉल्व करने के लिए टेन सेकेंड्स मिलेंगे आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है और लास्ट में फाइनल पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में लिखकर आपको बताने हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज द असेंशियल कॉम्पोनेट्स ऑफ आर फूड आर कॉल्ड ऑप्शन ए फैट्स ऑप्शन बी न्यूट्रियट्स ऑप्शन सी मिनरल्स ऑप्शन डी रफेज आंसर इज बी न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में हम पोषक तत्व कहते हैं इसी से हमारी बॉडी को पोषण मिलता है और बॉडी ग्रो करती है और ये बाकी जो ऑप्शन हैं ये न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल हैं क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आर बॉडी ऑप्शन ए फैट्स ऑप्शन बी प्रोटीन्स ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन डी विटामिन एंड मिनरल्स ऑप्शन में न्यूट्रिय दिए हैं फोर आपको इनमें से वो न्यूट्रिय यूज़ करना है जो बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए इम्पोर्टेंट है एंड द आंसर इज ऑप्शन बी प्रोटीन्स प्रोटीन की हेल्प से ही हमारी बॉडी ग्रो करती है और रिपेयर भी होती है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन आयरन ऐसा कौन सा फूड आइटम है जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया option जाता A, है ऑप्शन ए ऑरेंज ऑप्शन बी स्पिनच ऑप्शन सी फिश ऑप्शन डी मिल्क आंसर इज़ बी स्पिनिच स्पिनिच यानी पालक पालक आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है क्वेश्चन फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्टिव फूड वह फूड जिसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन हों ऑप्शन ए बटर ऑप्शन बी मिल्क ऑप्शन सी सीरियल्स ऑप्शन डी फ्रूट्स आंसर इज डी फ्रूट्स फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं इसलिए प्रोटेक्टिव फ्रूट्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम कंटेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट से बॉडी को एनर्जी मिलती है ऑप्शन ए कैबेज ऑप्शन बी ग्राम ऑप्शन सी राइस ऑप्शन डी पल्सेज आंसर इज़ ऑप्शन सी राइस पटेटो स्वीट पटेटो और होल ग्रेन्स भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स होते हैं क्वेश्चन सिक्स नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ़ नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है जिसमें रात में दिखना बंद हो जाता है तो आपको बताना है किसकी की से मतलब किस विटामिन की कमी से ये बीमारी होती है ऑप्शन ए विटामिन डी ऑप्शन बी विटामिन सी ऑप्शन सी विटामिन बी ऑप्शन डी विटामिन ए राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ए विटामिन ए के लिए कैरेट खाना बहुत अच्छा होता है कैरेट को हिंदी में गाजर कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉस्ट वैन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर वाश्ड आफ्टर कटिंग दैम सब्जी फल को काटने के बाद धोने से कौन सा पोषक तत्व या न्यूट्रिय नष्ट हो जाता है ऑप्शन ए विटामस ऑप्शन बी प्रोटीन्स ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्शन डी फैट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए विटामस क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल में बहुत सारे विटामिनस और मिनरल्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिक्वायर्ड टू कीप आर बोन्स मसल्स एंड टीथ हेल्दी हमारी हड्डियों मांसपेशियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस मिनरल की ज़रूरत होती है ऑप्शन ए आयरन ऑप्शन बी आयोडीन ऑप्शन सी कैल्शियम ऑप्शन डी फॉस्फोरस आंसर इज सी कैल्शियम दूध दही पनीर टोफू बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का क्वेश्चन नाइन इज डिजीजेस कॉज ड्यू टू द ऑफ़ विटामिन आर कॉल्ड जब हमारी बॉडी में विटामिन्स कम हो जाते हैं तो कौन सी बीमारी हो जाती है उसका नाम आपको ऑप्शन में से चूज़ करना है ऑप्शन ए क्रोनिक डिजीजेस ऑप्शन बी डिफिशियंसी डिजीजेस ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट डिजीजेस ऑप्शन डी डाइटरी डिजीजेस आंसर इज़ ऑप्शन बी डिफिशियंसी डिजीज़ क्वेश्चन टेन बटर एंड घी आर ऑल्सो नोन एज मक्खन और घी को और किस नाम से जाना जाता है आपको ऑप्शन में से चूज़ करना है बटर और घी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं फ़ैट के लिए फ़ैट यानी हिंदी में से हम वसा कहते हैं ऑप्शन ए नेचुरल फ़ैट ऑप्शन बी मिक्स फैट ऑप्शन सी वेजिटेबल फ़ैट ऑप्शन डी एनिमल फ़ैट आंसर इज़ ऑप्शन डी एनिमल फैट क्यों होगा इसका आंसर एनिमल फैट क्योंकि हमें बटर और घी किससे मिलता है दूध से और दूध हमें कहाँ से मिलता है एनिमल से नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन डी डिफिशियंसी कॉजिज विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिफिशियंसी डिजीज विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी को आपको चूज़ करना है ऑप्शंस में से ऑप्शन ए ब्लीडिंग गम्स ऑप्शन बी बैरी बैरी ऑप्शन सी रिकेट्स ऑप्शन डी विज़न। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रिकेट्स रिकेट्स डिजीज में बोन्स में बहुत पेन होता है या बोन बहुत वीक होती हैं या फिर कभी कभी बोन्स टेढ़ी हो जाती हैं तो उसके लिए विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व परसेंटेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज हमारे बॉडी में कितने परसेंट पानी होता है यानी हमारे शरीर में कितने परसेंट पानी है आपको बताना है ऑप्शन ए सेवेंटी परसेंट ऑप्शन बी एट्टी परसेंट ऑप्शन सी हंड्रेड परसेंट ऑप्शन डी फिफ्टी परसेंट राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेवेंटी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट न्यूट्रिएंट्स इन मिल्क दूध के पोषक तत्व के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो चूज़ करना है ऑप्शन ए मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी ऑप्शन बी मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑप्शन सी मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑप्शन डी मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आंसर इज डी मिल्क इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी मिल्क में विटामिन डी कैल्शियम प्रोटीन सब होता है लेकिन विटामिन सी नहीं होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है लेमन और सिट्रस फ्रूट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन एनिमल प्रोटीन का मीनिंग है जो प्रोटीन हमें जानवरों से मिले उसे एनिमल प्रोटीन कहते हैं ऑप्शन ए चीज ऑप्शन बी वॉलट ऑप्शन सी स्पिनिच ऑप्शन डी एप्पल राइट आंसर इज ऑप्शन ए चीज चीज हमें कैसे मिलता है एनिमल से एनिमल के दूध से चीज बनाया जाता है क्वेश्चन फिफ्टीन आर बॉडी प्रिपेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑप्शंस में से कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी सनलाइट में बनाती है ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन ए, विटामिन बी वन डी विटामिन डी। आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन डी विटामिन डी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन है नेक्स्ट क्वेश्चन स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश स्कर्वी डिजीज़ किस विटामिन की डिफिशियंसी से होती है आपको चूज करना है ऑप्शन ए विटामिन एप्शन बी विटामिन सी ऑप्शन सी विटामिन बी ऑप्शन डी विटामिन डी आंसर इज़ ऑप्शन बी विटामिन सी विटामिन सी के लिए ऑरेंज एक अच्छा सोर्स है आयोडीन डिफिशियंसी इन बॉडी कॉजेज विच डिफिशियंसी डिजीज ऐसा कौन सा रोग है या बीमारी है जो आयोडीन की कमी के कारण हमारे शरीर में होता है ऑप्शन ए बैरीबेरी ऑप्शन बी एनीमिया ऑप्शन सी स्कर्वी ऑप्शन डी गोइर आंसर इज ऑप्शन डी गोइर हिंदी में इसे घेंगा बोलते हैं और इसमें हमारे गले की ग्लैंड भर जाती हैं क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन आपको बताना है प्लांट प्रोटीन का अच्छा सोर्स कौन सा है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए एग्स ऑप्शन बी नट्स ऑप्शन सी मिल्क ऑप्शन डी फिश आंसर इज़ ऑप्शन बी नट्स सारे ऑप्शन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है लेकिन नट्स हमें प्लांट से मिलते हैं नट्स के एग्जाम्पल हैं काजू बादाम अखरोट मूंगफली नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग कार्बोहाइड्रेट को क्या इस्तेमाल करके टेस्ट किया जा सकता है आपको ऑप्शंस में से बताना है ऑप्शन ए आयोडीन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट ऑप्शन सी कास्टिक सोडा ऑप्शन डी फेलिंग सॉल्यूशन आंसर इज ऑप्शन ए आयोडीन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर्स इन फूड खाने में जो डाइटरी फाइबर होता है उसका मुख्य काम क्या होता है आपको बताना है ऑप्शन ए प्रोवाइड्स एनर्जी ऑप्शन बी बॉडी बिल्डिंग ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ऑप्शन डी हेल्प्स इन डाइजेशन राइट आंसर इज ऑप्शन डी हेल्प्स इन डाइजेशन आपके कितने पॉइंट्स आए कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना